कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। राजनीतिक सक्रियता मान लीजिए मेरा अपना भी बना हुआ है, पिताजी का मान लीजिए हमको उस काबिल बनाए हुए हैं। हम अकेला ही काफ़ी है कि हम सबको संभाल लेंगे। जुमलाबाजी से नहीं कुछ होने वाला है। जमीन पे जाने पे पता चल जाएगा आपको कि कोई ऐसा लहर नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन यहाँ से 40-40 सीट जीत रही है भारी मतों से। समस्तीपुर से महेश्वर हजारी जो जदयू कोटे के मंत्री हैं उनके बेटे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, सन्नी हजारी को। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी वो लोजपा की प्रत्याशी हैं। देखना दिलचस्प रहता है कि वहां के मुकाबले में क्या कुछ होता है। लेकिन इसी बीच सन्नी हजारी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी है तो वहीं दूसरी तरफ जो है आपके पिताजी भी है, तो क्या आपके पिताजी आपके साथ चुनाव प्रचार करने जाएंगे? क्या कुछ कह रहे सन्नी हजारी, सबसे पहले आप वो सुने। आप लोग सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने महागठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, महागठबंधन तमाम पदाधिकारी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया है और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीत कर अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा। समस्तीपुर में एनडीए की भी कैंडिडेट हैं चौधरी, कितना चुनौती लग रहा है वहाँ पर? देखिए मैं लगातार प्रयास में रहा हूँ और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। बिहार सरकार में मंत्री हैं आपके पिताजी, क्या वो जाएंगे आपके साथ चुनाव प्रचार में? देखिए पिताजी का अपना अलग राजनीतिक है, मेरा अलग राजनीतिक है। मैं राजनीतिक पहले से सक्रियता रहा हूँ वहाँ पे, और लोगों के बीच में मेरा अलग एक सम्मान मान सम्मान बना के रखा हूँ, उसी पे मैं जाऊँगा और लोगों से अपना मत। लालू जी से मुलाकात हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? लालू जी ने आशीर्वाद दिया है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। मैं लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और मैं लालू जी का जैसा आशीर्वाद मिला है तो मैं ये चुनाव जीत के उनके आशीर्वाद से के लिए। अशोक चौधरी जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या आपके पिता नहीं जा सकते हैं आपके लिए? देखिए राजनीतिक सक्रियता मान लीजिए मेरा अपना भी बना हुआ है, पिताजी का मान लीजिए हमको उस काबिल बनाए हुए हैं। हम अकेला ही काफी है कि हम सबको संभाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताई है, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 40-40 से हम लोग जीतेंगे, तो ये कितना बड़ा चुनौती है? देखिए जुमलाबाजी में लोग विश्वास करते हैं, हमेशा जुमलाबाजी किए हैं। आज धरातल पे कुछ नहीं है, जमीन पे जाएगा तो पता चलेगा। केवल और केवल जुमलाबाजी से नहीं कुछ होने वाला है। जमीन पे जाने पे पता चल जाएगा आपको कि कोई ऐसा लहर नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन यहाँ से 40-40 सीट जीत रही है भारी मतों से। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है, एकदम आराम से हम लोग निकल रहे हैं, जीत रहे हैं भारी मतों से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने साफ तौर पर सुना उनका कहना है कि हम अकेले ही काफी है, पिताजी जाए या नहीं जाए। वहीं पे चुनौती को लेकर के कहा है कि कोई चुनौती नहीं है, इस बार बिहार में महागठबंधन 40-40 सीट जीत रही है। तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि देखिए कोई चुनौती नहीं है, इस बार तो समस्तीपुर से जीत हमारी पक्की है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।